बांस लगाने के बाद, पूरी फिटिंग करने के बाद, जो है ना जाला लगाने के बाद, सबसे पहले हमने डालना है मोमी कागज़। ठीक है जी, मोमी कागज़ अच्छी तरह सारा डाल के, डबल मोमी कागज़ लेना आपने। अगर आपका 15 फुट का है छत, 15 बाई 10, तो 15 बाई 10 की बजाय आपने 10 की बजाय 12 लेना है, और 15 की बजाय 30 लेना है, डबल पड़ना है आपका छापर। शॉपर के बाद ये प्लास्टिक का शॉपर जो है ना, मोमी कागज़ जिसको बोलते हैं, उसके बाद ये शेड लगाएंगे थर्मापोल फ्रंट पे भी और छत पे भी। ठीक है जी, सारी टोटल ओवरऑल। हाँ जी, ये थर्मापोल शीट है, 2 इंच मोटी है। ठीक है जी, ये इस्तेमाल कर रहे हैं हम, 4x8 की शीट होती है। पोल के बाद जो ना, थर्मापोल शीट के बाद, ये थर्मापोल शीट, ठीक है, ये ग्लास वूल है। ठीक है जी, इसको छत पे डालना है आपने, ग्लास वूल का इस्तेमाल करना है आपने। और ये बनाने के लिए तरीकेकार भी बताया है, और बनवाना भी हो तो आप रابطہ कर सकते हैं। हाँ जी, मुर्शिद रैबिट फार्म के पास कारीगर मौजूद हैं। अगर आपने अपनी छत पे ये सेटिंग करवानी हो, इससे आपका कंट्रोल शेड टाइप बन जाएगा, जिसमें गर्मी सर्दी कंट्रोल रहेगी छत के ऊपर। ठीक है जी, ये वूल, ग्लास वूल इसको बोला जाता है। हाँ जी, ये आपने छत पे लगवानी है ग्लास वूल। ये होती जी ग्लास वूल। ठीक है जी, ये देखें, ये ग्लास वूल है, ये ऊपर छत पे लग जाएगी। जितने फुट की छत है उसको कंप्लीट करना है आपने। वूल शीट है, ठीक है ना, ग्लास वूल इसको बोलते हैं। ये आपने छत के ऊपर डालनी है थर्मापोल के बाद। ये देखिए जी, इसके बाद ये ग्लास वूल डालने के बाद फिर वही वाला पेपर डबल ऊपर जा रहा है। ठीक है जी, ये वाल, ये पेपर जो ना ऊपर दोबारा डाला जा रहा है, नीचे वो आ गई। ठीक है जी, थर्मापोल के बाद ये लगाया हमने वाल, ग्लास वाल, ग्लास वाल को बाद ये प्लास्टिक फिर लगा दिए। हाँ जी, बस सिरा कंप्लीट हो गया। ये दूसरा सिरा निकाले जी, रात हो गई है, रात की वजह से थोड़ा सा, लेकिन समझाने के लिए बिल्कुल बेहतरीन वीडियो बन रही है। जिस भाई को मज़ीद मालूमात चाहिए हो, बनवाना हो, हमसे रابطہ कर सकता है, मुर्शिद रैबिट फार्म। ठीक है जी, सर तो सिरा खींचना है। मोमी कागज़ के बाद, लिफाफे के बाद, ये देखिए त्रिपाल, एंड एंड पे त्रिपाल डलेगी ताकि लीकेज वगैरह ना हो। त्रिपाल का साइज के हिसाब से हमने 10 फुट है, तो हमने 12 फुट रखवाया एक्स्ट्रा। ये देखें, एंड हमारा त्रिपाल लगेगा। त्रिपाल को खोल के अच्छी तरह दो सिरे पकड़े जाएंगे और सीधा ऊपर। ये देखिए बड़ी त्रिपाल, बड़ी अच्छी त्रिपाल बनी है ये।
छत पे लाजमी ये डालनी है तिरपाल जी, ताकि लीकेज वगैरह ना हो। ठीक है जी, हमेशा की तरह कोशिश करते हैं कि आपको मुर्शिद रैबिट फार्म से फ़ायदा हो। ठीक है जी, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और एंड तक वीडियो देखा करें ताकि आपको समझ आए सारी ना। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें जो भी कमी पेशी हो आप हमें भी बताया करें, गाइड भी किया करें। हाँ जी, आपकी इस्लाह हमारे लिए भी ज़रूरी है। हाँ जी, ओके दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ना। ये छत बिल्कुल कवर हो गई है। हाँ जी, ये यहाँ पे हम जिप लगाएंगे, ये जो खोला हुआ। हाँ जी, ये देखें, ये माशाल्लाह से जगह बन गई है अंदर। ये सामने वाली जगह भी कवर कर देंगे। ये सर जगह बन गई हमारे पास छत के ऊपर। ये 15x10x11 ये ना जगह बन गई हमारे पास। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब आज इंशाल्लाह ताला केजी वगैरह लग जाएंगे, अल्लाह के हुक्म से फिर आपको मज़ीद वीडियो में दिखाएंगे।